अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई एम गोना डिस्कस साइड इफेक्ट्स ऑफ स्लीपिंग टू लेट पार्ट वन। पार्ट टू आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं वो मैं आज आपसे कोशिश करूँगी कि डिस्कस करूँ। एक्चुअली लेट सोने के बहुत सारे जो हैं वो नुकसान हैं जो कि एक वीडियो में कवर नहीं होते, सो मुझे पार्ट्स में बनाना पड़ रहा है। बट आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी जब स्लीप डेप्रिवेशन होता है, स्लीप डेफिशिएंसी हम में आती है, हम कम सोते हैं, हमारी शॉर्ट स्लीप होती है, जो एपिसोड्स में हम स्लीप लेते हैं लाइक 3 hours, 4 hours, 5 hours, तो वो डीप स्लीप नहीं होती। जब वो डीप स्लीप नहीं होती तो उसकी वजह से फिर हमारा जो है बहुत सारे रिस्क बढ़ते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। और क्योंकि जब हम डीप स्लीप में होते हैं ना, बहुत अच्छी गहरी नींद में होते हैं, तो हमारा ब्लड प्रेशर है वो लो जाता है, लो होता है, और वो बहुत अच्छा है साइन, मतलब आप डीप स्लीप में हैं। हार्ट रेट भी नीचे जाता है। लेकिन जब हम डीप स्लीप में नहीं होते तो हमारा बीपी भी, ब्लड प्रेशर, आपने अक्सर कंप्लेंट सुनी होगी कि ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ता है, हार्ट रेट तेज़ होना शुरू हो जाता है, पैल्पिटेशन ज़्यादा होती है, लाइक हार्ट बीट लोगों की फास्ट होना शुरू हो जाती है, तो वो फिर आपकी बहुत सारी बीमारियां सो ऑन उसके साथ स्टार्ट हो जाती हैं। इसलिए डीप स्लीप जो है वो बहुत ज़रूरी है, सबसे पहली बात ये है। और इवन जब डीप स्लीप नहीं होती तो आप हार्ट रेट जो है ना वो हमारा जो है उसके रिस्क ज़्यादा हो जाते हैं, हार्ट अटैक्स हम सुनते हैं बहुत ज़्यादा हैं, खुदा ना खास्ता ऐसी चीज़ें बड़ी एक्सट्रीम पे जाती हैं जब आपकी डीप स्लीप एक प्रॉपर लॉन्ग टाइम से नहीं होती। सो इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल ना घबराएं कि मुझे 5-6 दिन से या 2 दिन से नींद डीप नहीं आ रही तो मुझे खुदा ना खास्ता ब्लड प्रेशर या हार्ट फेलियर का इशू आएगा, ऐसा नहीं है। मैं ये वीडियो उनके लिए बना रही हूँ जो मुसलसल नहीं सोते, और आजकल प्रैक्टिस ऐसी है कि आप कोई भी पर्सन जो है वो ज़्यादा रात को जागने को प्रायोरिटी देता है, और जब प्रायोरिटी आप देते हैं, आप हैबिट बना लेते हैं, तो फिर उसके ये साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। सडन बीपी राइज नहीं करता, सडन हार्ट फेलियर नहीं होता, सडन आपकी इंसुलिन जो है वो लेवल नहीं बढ़ते, वो एक प्रॉपर बॉडी में पहले से बढ़ते आ रहे होते हैं, जिनका हमें आइडिया नहीं होता, हम इग्नोर कर रहे होते हैं। तो इस वजह से हमें अपनी स्लीप को डीप करना चाहिए, टाइम से सोना चाहिए, टाइम से उठना चाहिए, ताकि हमारी जितनी भी डेप्रिवेशन है स्लीप की वो रिकवर हो सके। आपने अक्सर देखा होगा कि हमें बुखार होता है, सर में दर्द है या बॉडी में दर्द है, जितनी भी हमें एक्स होती हैं तो उसकी हम मेडिसिन लेते हैं। मेडिसिन लेने के बाद हमें नींद लाजमी आती है, उस दवाई में भी नींद होती है और बॉडी को बेसिकली रेस्ट चाहिए होती है हमें, ठीक है। और हमें ये हमेशा लगता है कि शायद फीवर की मेडिसिन या कोई भी मेडिसिन हम ले रहे हैं, कोई भी एंटी रिलैक्सेंट लेते हैं तो उसमें नींद है, उसमें नींद एज सच नहीं होती, आपकी बॉडी को तब रिक्वायर होती है। और हम जब मेडिसिन खाते हैं तो हमें लगता है कि उस मेडिसिन से मुझे फ़र्क पड़ गया, जबकि आपको उस नींद से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि बॉडी, आपका माइंड बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हुआ होता है, आपकी बॉडी फिटीग्ड हुई होती है, जिसकी वजह से आपको बुखार होता है या बॉडी एक्स होती है, और हम कहते हैं कि मैंने उस डॉक्टर से दवाई खाई तो मुझे आराम आ गया। नो डाउट कि मेडिकेशन जो है वो बहुत फ़र्क डालती है, बट आपकी नींद वो बेसिकली काम करती है, क्योंकि आपकी उससे रेस्ट आपको प्रॉपर मिलती है, आपकी जो है मसल रिकवरी होती है, जब उनको रेस्ट मिलती है तो आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा जब हम सोते हैं हमारी डीप स्लीप में, एक साइटोकिन्स हार्मोन है जो रिलीज़ होता है, वो हमारी बॉडी में जितनी भी इन्फ्लेमेशंस होती हैं उसको रिकवर करता है। तो आपको कितने सारे मैं चीज़ें बताती जा रही हूँ बड़े सिंपल वे में, सिंपल वर्ड्स में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि अगर आप मेडिकल स्टूडेंट नहीं हैं, कॉमन पर्सन हैं, कोई भी है, तो आपको अंडरस्टैंडेबल हो कि नींद हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। क्योंकि जब आपका जैसे साइटोकिन्स है ना, इसकी वजह से भी हमारी इन्फ्लेमेशन जब कंट्रोल नहीं होती बॉडी में, तो वो हमारे लो इम्यून सिस्टम की वजह से होता है। इम्यून सिस्टम कोरोना के दौरान आई थिंक सबको समझ लग गई होगी कि क्या है, क्योंकि जब आपका स्टमक, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि स्टमक अपसेट होगा, आपको भूख नहीं लगेगी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं होगा, आपको उस तरह से जो विटामिंस, जो बॉडी को एनर्जी रिक्वायर है वो नहीं मिलेगी, तो फिर बॉडी माइंड आपका रेस्ट में नहीं होगा।
जब रेस्ट में नहीं होगा आपको नींद भी नहीं आएगी, मेलाटोनिन भी नहीं बनेगा, बहुत सारी चीज़ें नहीं बनेंगी।